नमस्कार दोस्तों दोस्तों व्हाट्सएप में एक फिंगरप्रिंट का लॉक आया है। ये सिर्फ नए वर्जन में काम कर रहा है। जिसके पास पुराना वर्जन है या जिन्होंने अपना व्हाट्सएप अभी तक अपडेट नहीं किया है उनके में ये फिंगर लॉक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। जब करने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पर व्हाट्सएप खोलने के बाद जब आपका व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा उसके बाद में आप उसे ओपन करेंगे तो उसके बाद में ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो सेटिंग है हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। तो हम सेटिंग पे क्लिक कर लिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट प्राइवेसी सेटिंग सिक्योरिटी और चेंज नंबर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो प्राइवेसी है प्राइवेसी पे क्लिक करना है। चलिए हम प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हैं और इसे सबसे लास्ट तक स्क्रॉल करते हैं। तो फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक लिखा हुआ है। तो फिंगरप्रिंट लॉक इसमें डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड आता है। जो इसमें डिसेबल्ड आ रहा है आपको इसे इनेबल करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो आपको जो दिख रहा है साइन दिख रहा है इसे हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से चालू कर देंगे। और चालू करने के लिए ये मांगेगा टच फिंगर सेंसर। तो मैं अपने जो मोबाइल में फिंगर है उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फिंगर ले लेगा। अब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली लॉक इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 30 मिनट। आप कितनी देर बाद इसको लॉक करना चाहते हैं, तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 मिनट आता है तो आप 1 मिनट रहने दीजिए। या जैसे इमीडिएटली का मतलब है जैसे जब तक आप व्हाट्सएप चला रहे हैं जैसे ही एग्जिट करते हैं तुरंत लॉक हो जाएगा, ऐसा चाहते हैं कि 1 मिनट वाला चाहते हैं कि एग्जिट करने के 30 मिनट बाद करना है। तो इस प्रकार से जितना आपको उसमें चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो ये 1 मिनट है तो हम 1 ही मिनट रहने देंगे और अगर ज़्यादा कम करना है तो कम कर लीजिए। अब मैंने ये अपना कर दिया है। अब जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप यहाँ से एग्जिट करूँगा तो एग्जिट करने के बाद जब मैं दोबारा ओपन करूंगा व्हाट्सएप को तो मुझे व्हाट्सएप खोलने के लिए अपनी फिंगर लगानी पड़ेगी। तो ये था व्हाट्सएप का नया अपडेट। आप भी इसे ट्राई करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।